यहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्कर काम कर रहे हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। 10 साल 15 साल सेवा देने के बाद भी उनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, जो कि निंदनीय है। इस पर राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए और विशेष उन्हें उन पर ध्यान रखना चाहिए। और पेमेंट का इशू आया, और ये पेमेंट का इशू हम कोलियरी में सुनते थे, कोलफील्ड्स में सुनते थे कि 18,000 पेमेंट आता है, ठेकेदार उसको 10,000 पेमेंट करता है। अगर अस्पताल में इस प्रकार की चीज़ें सुनने को आएंगी तो ये दुर्भाग्य है। यहाँ भी 18-20 हज़ार के आसपास पेमेंट आता है और उनको 9 से 12 हज़ार एवरेज आसपास भुगतान किया जाता है, जो कि दुर्भाग्य है। तो स्थिति जो भी क्या देखिए, हम लोग प्रिंसिपल से मिले, उनकी ओर से एक सकारात्मक आश्वासन मिला है, लेकिन हम लोग आश्वासन पे नहीं, काम पर फोकस करना चाहेंगे। और हम लोगों ने ये भी कहा कि कोई हम लोग राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आए हैं, मानवता के उद्देश्य से आए हैं। लोगों की शिकायतें हम तक लगातार आ रहे थे, और हमने ये भी कहा कि अस्पताल चूंकि एक गंभीर विषय होता है, यहाँ लोगों के उम्मीदें टिकी होती है, उनका स्वास्थ्य टिका होता है, इसलिए हमने कहा कि लगातार हम लोग का विजिट बना रहेगा और प्रिंसिपल रहें या फिर उनके जो अन्य पदाधिकारी, उनसे लगातार हमारी मुलाकात होती रहेगी और इन विषय पर बातचीत भी लगातार बनी रहेगी। वार्ता के दौरान हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, आपने जितनी बिंदु है वहाँ पे रखा, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं चाहे प्रोफेसर या प्रभारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारी गलतियों को सरकार पर थोपने का कोशिश दिखाई अंदर में, इसमें आपके क्या कुछ रणनीति? मैंने भी वही कहा कि अगर टाटा जमशेदपुर में अगर टाटा के टाटा उसको नहीं देखते, वो किसी को अपनी ताकत सौंप के रखते हैं, जो वहाँ के समस्याएं जो सिचुएशन उत्पन्न होती है उनका समाधान करे। तो ये मैंने स्पष्ट कहा, भले आप सरकार की और हर चीज़ को लेकर जाए, लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं कुर्सी की मान मर्यादा है, आप चाहेंगे तो लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, हम चाह नहीं रहे या फिर आप उनसे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो मैंने उनसे ये भी अपील किया है कि आप उन चीज़ों पर इंटरेस्ट लें और जो समस्याएं हम लोग आप तक संज्ञान में लेकर आए हैं उनका समाधान करें। एक और सवाल है, पानी की व्यवस्था के लिए बात हुई है, उन्होंने कहा कि एक जगह नलकी का व्यवस्था की गई और दो या तीन जगह व्यवस्था की। एक महत्वपूर्ण और एक बेसिक जो समस्याएं हैं दादा, बेसिक जो समस्याएं हैं आपने वहाँ पे रखा, लेकिन एजेंसियों को दोष दिया जा रहा है, यहाँ पे एजेंसी ठीक से काम नहीं कर रही, पदाधिकारी भी बीच में नहीं है और सरकार भी बीच में, एजेंसियां गड़बड़ कर रही है, इस मुद्दे पर क्या करेंगे आप? मुनाफा कमाने के लिए सरकार को एजेंसियों पर सोचना चाहिए। आज आप शिक्षा स्वास्थ्य जो एजेंसियों के हाथों नहीं भेज सकते, उनको टेंडर में नहीं डाल सकते, उनको ठेकेदारी प्रथा में नहीं डाल सकते जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अस्पताल जैसे गंभीर विषय में आप अगर एजेंसियों के हाथों देकर बैठे हैं, जो मोटा मुनाफा लेकर वर्कर्स अपॉइंटमेंट करते हैं, मोटा मुनाफा के साथ खरीदारी करते हैं, तो ऐसे में एजेंसियां दोषी हैं, एजेंसियां नो डाउट कटघरे में खड़ी हैं, लेकिन उनका सरकार को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि सरकार के अंतर्गत एजेंसियां आती है, सरकार गंभीर होकर इन एजेंसियों पर कहीं ना कहीं कंट्रोल नियंत्रण रखना चाहिए। क्या लगता है कि सरकार गंभीर है स्वास्थ्य को लेकर? सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि माननीय मुख्यमंत्री का बेल कब होगा। एक व्यक्ति के पीछे वो सारी सोर्स, सारी ताकत, सारी ऊर्जा लपेट के रख दिए हैं। आज यहाँ मरीजों की स्थिति बहुत ही खस्ता हाल है, यहाँ विजिट होना चाहिए, यहाँ लगातार सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनका विजिट होना चाहिए, सरकार के मंत्रियों का विजिट होना चाहिए। अगर आप अस्पताल से हैं और आपको जनता की सुख सुविधा से कोई वास्ता भी नहीं जी, नहीं क्या काम कर रहे हो तो दिख रहा है आप, अगर ठीक है काम कर रहे हैं बन्ना गुप्ता जी, तो उनसे कहिएगा कि आप कम से कम एक फोटो तो अपलोड, एक फोटो तो दिखा सकते हैं SNMCH का, मैंने दौरा करते विजिट करते हैं कि आपके पास एक तस्वीर दिखाइए, साझा कीजिए, हम देखना चाहते हैं कि आप कब आए थे, किस तारीख को आए थे और किन आपके अपने जगहों पर जाकर आपने निरीक्षण किया है, किनके साथ आपने वार्तालाप किया, किन मरीजों से आप मिले हैं, किनका सुख दुख हमने दुख का हाल चाल लिए हैं, देखना चाहिए। आप आते हैं, आके धनबाद में बैठते हैं, कोयले पर चर्चा करते हैं, आप कैसे आपको फंडिंग मिलेगा उसकी आप चर्चा करते हैं, तो ये बेवकूफ़ बनाने कार्य बन्ना गुप्ता जी नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आज स्वास्थ्य मंत्री कटघरे में अगर हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर है तो आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल, देखिए हम लोग फिर अगला कोई रास्ता तैयार करें, देखिए अस्पताल हो जाता है नो डाउट, आपके मन में जो सवाल आ रहा है सवाल को समझ रहे हैं कि हम लोग परिचय आंदोलन से, लेकिन अस्पताल सर क्षेत्र सेंसिटिव होता है, यहाँ अगर हम लोग आंदोलन के लिए आते हैं तो उसके लिए तरीका अपना चाहिए और उन तरीकों को हमें पहले कहाँ से तक मतलब करना है। हम लोग कंपनियों में जाते हैं तो ज़्यादा नहीं सोचते हैं, हम लोग किसी भी विषय में आंदोलन करने के लिए जाते हैं तो हम लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं, लेकिन अस्पताल यहाँ मरीजों के जीवन का सवाल है, तो हम अगर आंदोलन के लिए जाएंगे तो हमारे आंदोलन से रूपरेखा क्या होगी, उसका तो तरीका क्या होगा, उन चीज़ों पर हमें मंथन करना होगा। आप लोगों घंटों से आप दौरा किए हैं, लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा था कि आज आप फिर किस अधिकार और किस तरह से आप यहाँ पर दौरा करने आए हैं? अधिकार की कोई विषय बात नहीं है, हम लोग एक जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं, बातचीत नहीं हुए हैं, लेकिन इस राज्य की जनता हमें उम्मीद के दृष्टिकोण से देखती है,
यहाँ के जो धर्मी हैं उनको हमारी आवश्यकता पड़ेगी।